दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आप सभी का स्वागत करता हूँ कि टोपेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आप सभी लोगों से ये तो कभी नहीं कहता वीडियो के स्टार्टिंग में कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन आज इस वीडियो में कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर तो जरूर करें उन लोगों के साथ जो कि आपके क्लोज हैं, जो कि आपके रिलेटिव हैं, जो कि आपके फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके प्रोफेशनल कलीग्स हैं, या फिर उन सभी लोगों को जिनको कि आप जानते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर के ऊपर है और ये जो चीज़ें हैं ये उन्हीं लोगों को इतना ही इफेक्ट करेंगी जितना कि आपको करेंगी, जितना मुझे करेंगी, इवन बहुत सारे लोग हैं यानी कि इस वर्ल्ड में जितने हैं आप कह सकते हैं कि उनको कहीं ना कहीं यही चीज़ इफेक्ट कर सकती है। खासतौर पर फिलहाल में तो ये चीज़ इंडिया में करने वाली है। अब ऐसा क्या हो गया कि मैं आप सभी को इस चीज़ को कहने के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ पर कल एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि एक बैंक है पीएमसी बैंक यानी कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, उसके ऊपर दोस्तों आरबीआई ने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वो अपनी बैंकिंग सर्विसेज 6 महीने तक नहीं कर सकता, बैंकिंग सर्विसेज नहीं कर सकता। आप सोचोगे बैंकिंग सर्विसेज, लेकिन दोस्तों इसका जो सीधा सीधा इफेक्ट है वो पड़ा है कंज्यूमर के ऊपर यानी कि जो भी उस बैंक के कस्टमर्स थे। क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ने एक और लिमिट लगा दी कि जो कंज्यूमर है वो उस बैंक से सिर्फ 1000 रुपये निकाल सकता है इन द मीन वाइल पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो क्या 1000 रुपये में आपका घर चल जाएगा? 1000 रुपये में आपके सारे डेली एक्सपेंसेस, आपके सारी चीज़ें हो जाएंगी? नहीं। अब आप सोचिए, अगर आपके बैंक में यहाँ पे 1 लाख 2 लाख रुपये पड़े हैं जो कि आपने रखे कि यस मैं अगले महीने कुछ खरीदूंगा, अपना रूम का रेंट दे दूंगा, एनीथिंग जो भी आपको करना है, और अचानक से आपके पास आरबीआई का एक सर्कुलर आपके बैंक में आता है सुबह सुबह कहता है कि नहीं, आप 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं उसको हमें समझना ज़रूरी है। यहाँ पे दोस्तों मेन जो बात आ रही है वो आ रही है बात सेंट्रलाइजेशन की। अब जैसे बिटकॉइन की मतलब बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक्सचेंजेस के ऊपर बैन करा, ट्रेडर्स के ऊपर बैन करा, चलो वो चीज़ समझ आती है कि आपको कोई चीज़ टेक्नोलॉजी को समझना है तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आपने उसको बैन कर दिया तो इसमें कोई सेकेंडरी ऑप्शन हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ तो लिमिट का ही कैप डाउन आ गया कि 1000 से ज़्यादा आप निकाल ही नहीं सकते। और गलती यहाँ पे बैंक की है, क्योंकि जो बैंक है अगर नॉर्मली हम टर्म में बात करें तो बैंक्स जो होते हैं वो यहाँ पर नॉर्मल पीपल्स को लोन देते हैं, और नॉर्मल पीपल जब लोन को रीपे नहीं कर पाते तो उनके असेट को एक्वायर कर लेते हैं, और वो असेट जब बिकती नहीं है तो वो असेट बन जाते हैं आपके एनपीए। तो ये जो एनपीए ये सिर्फ आज एक बैंक की प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा होगा कि यार इस बैंक में मेरा खाता तो है नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये मैं बता रहा हूँ कि आरबीआई कल को आपके बैंक के साथ भी यही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे वो यूनियन हो, कोई सा भी बैंक हो, क्योंकि सारे के सारे बैंक जितने भी हैं ये आते हैं आरबीआई के अंडर। एक सर्कुलर आया था सिर्फ अप्रैल 6 को 2018 को, और उसके वजह से आप सभी को पता है कि हम लोगों की क्रिप्टो कम्युनिटी की क्या हालत हो गई। बहुत अच्छा है कि हम लोगों के पास सेकेंडरी ऑप्शन था, लेकिन बैंक वालों के पास क्या ऑप्शन है जिसमें कि पैसा है उनको तो पता भी नहीं कि बिटकॉइन जैसे कोई एसेट है जहाँ पे कि हम कुछ और भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये जो इफेक्ट पड़ रहा है ये उनकी जेब पे पड़ रहा है। और मैं इस वीडियो से आपको सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सेंट्रलाइजेशन जो है वो एक आदमी को बहुत ज़्यादा पावर दे देता है, तो आप अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। अब आप बोलेंगे सॉल्यूशंस, तो यस सॉल्यूशन भी है हमारे पास। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो उसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि आपके पास पैसा यूज़ केस के लिए भी हो और बाकी चीज़ों के लिए भी हो। वैसे तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैं अपना पोर्टफोलियो क्या लेके चल रहा हूँ रिसेशन के टाइम पे। लेकिन अभी बात है कि हम लोग मेनली इस टाइम पे क्या करें, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास होने चाहिए 3 से 4 बैंक अकाउंट्स, और अगर आप 3 से 4 नहीं कर सकते तो मिनिमम आप 2 बैंक अकाउंट या 3 बैंक अकाउंट करिए, और एक होना चाहिए पब्लिक सेक्टर, एक होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर, और एक होना चाहिए कॉपरेटिव बैंक्स के अंदर। क्यों ऐसे डिवर्सिफाई होना चाहिए? क्योंकि अगर कभी भी कल को कोई सेंक्शन आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एटलीस्ट आपका पैसा अलग जगह रहेगा, आप उसको ईजिली यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। दूसरा यहाँ पे वे है कि आप कुछ ऐसी असेट्स को बाय करो जो कि आपके कंट्रोल में हो, लाइक गोल्ड, सिल्वर, और स्टॉक का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बिटकॉइन इसमें है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई फाइनेंशियल एडवाइस देने नहीं आया हूँ, सिर्फ आपको आइडिया बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और चीज़ों में करना चाहिए तो आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, या फिर आपके पास जो भी और ऑप्शन होते हैं वो आप कर सकते हो। तो इन तरीकों से आप बैंक के रिस्ट्रिक्शन से बहुत हद तक यहाँ पे बच सकते हो। हालांकि टोटली बचना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप कैश भी कितना रखोगे घर में, आजकल 2000 के नोट हैं, तो आप थोड़ा बहुत कैश रख सकते हो 20-30,000 के आसपास आप इन हैंड, तो वो आपकी एटलीस्ट 1-8 महीने की हेल्प तो यहाँ पे कर
देगा। तो ये दोस्तों कुछ सॉल्यूशंस है बेसिक जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन लगता है। अब आप सोचेंगे मेरे बैंक पे तो नहीं लगा तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैं बता दूँ कि ये RBI का रिस्ट्रिक्शन कभी भी किसी भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक की प्रॉब्लम थी जो कि PMC बैंक की थी वो थी NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो ये प्रॉब्लम आज कोई एक बैंक की नहीं है, सभी बैंक जितने भी हैं आपको पता होगा भी जो हमारा बजट आया था उसके अंदर भी 7,000 करोड़ रुपीज़ शायद बैंकों ने मांगे हैं, अप्रॉक्स फिगर है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो वो बैंकों को देना पड़ेगा क्योंकि उनको अपने NPAs को निपटाना है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा साइज़ है, और जब वो 7,000 करोड़ रुपये उनके पास पहुँच जाएंगे तो वो और लोगों को लोन देंगे और लोग उसको रीपे नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी इनकम नहीं है। तो सीधी सी बात है कि उसका क्या होगा, यानी कि और ज़्यादा NPA का साइज़ बढ़ेगा, और जब NPA का साइज़ बढ़ता है तो आपको भी पता है कि जो बैंक्स है वो एक कंगाली की स्थिति में जाएंगे। और आज की तारीख में भी अगर आपको बताओ, थोड़ा टाइम पहले मैंने न्यूज़ में यहाँ पे कवर करा था, एक प्रोटेस्ट हुआ था फ्रांस के अंदर कुछ टाइम पहले, जहाँ पे कि सारे के सारे सिटी के पर्सन उठ के बैंक में पहुँचे और बैंक से बोला भाई गिव मी माई मनी। बैंक ने क्या बोला, वी आर बैंक करप्ट्स। तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम समझना चाहिए, सीरियस आपको इसके ऊपर होना होगा, आपको अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। मेरे हिसाब से बिटकॉइन एक बेस्ट तरीका है फिलहाल के टाइम में, गोल्ड भी है, ये भी है, ये एडिशनल तरीके हैं क्योंकि आप उसको एकदम ज़्यादा अमाउंट में कैरी नहीं कर सकते हो, तो एक डिजिटल वे में है। और यहाँ पे अब आप समझ रहे होंगे कि जो बैंक्स हैं वो किस तरह से मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो चार्जेस हो कुछ भी हो, और आगे चल के ये चीज़ें कितनी ज़्यादा पड़ेंगी इसके ऊपर दोस्तों मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें हम प्योरली प्योरली यहाँ पे बात करने वाले हैं बैंक्स के ऊपर कि बैंक आगे चल के फ्यूचर में आप लोगों के साथ क्या क्या इफेक्टिव वे यहाँ पे कर सकते हैं। इस वीडियो में से मैं इतना ही यहाँ पे रखना चाहूँगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि सेंट्रल पार्टी के पास चीज़ें होने में क्या होता है, और अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट की बात करें तो मैं वो बता दूँ कि गवर्नमेंट भी फेल होती है। तो यहाँ पे आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके पैसे को कोई और बहुत अच्छे से रखेगा, आपको अपने पैसे को सिक्योर रखना होगा, आपको अपने पैसे को ही यहाँ पे मैनेज करना होगा, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको खुद अपने पास यहाँ पे उठानी होगी। सो आप दूसरी वीडियो को पसंद आएगी, दूसरे वीडियो अगर पसंद तो प्लीज दोस्तों करेगा लाइक, दूसरे वीडियो पसंद आए तो करेगा डिसलाइक, दोस्तों अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पा सकें और पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सकें। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।